कैसे हैं आप सभी लोग। चले मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर यूपी टेट 2018 की एक नई वीडियो के साथ। इसमें मैं मैथ्स की क्वेश्चन आज आपको कराऊंगी। मैथ्स की क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पार्ट वन और पार्ट टू, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। अगर 30 क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व करने लगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप इस क्वेश्चनों को देखिए और सॉल्व करने की टेक्निक सीखिए कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, और मैं शॉर्ट से शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सकता है उतने शॉर्ट तरीके से आपको ये सॉल्व करना बताऊंगी। वीडियो के अंत में आप इसका PDF डाउनलोड करना ना भूलिए। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनका PDF डाउनलोड नहीं हो पा रहा है वो एक्सेस करके छोड़ दें, मैं एक्सेस को अप्रूव करूँगी तब वो आपके PDF को डाउनलोड करेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर हो तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। हमें ये बताना है उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो माना संख्या हमारी x है, x मान लिया संख्या, संख्या के 3/4, k मतलब मल्टीप्लाई का साइन, 3/4 का 2/3, का मतलब जहाँ भी का होता है मैथ्स के क्वेश्चन में, का मीन्स होता है मल्टीप्लाई का साइन, 24 है, 24। आपको ये क्लियर नहीं आ रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है राइटिंग में। 3 से 3 हमने यहाँ पे काट दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ x अपॉन 2 इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 48 आया। x कितना आया, 48, x इक्वल टू 48। अब उस मतलब कि हमारे पास संख्या आ गई 48, अब इस संख्या का 1/4 क्या होगा, 1/4 इस संख्या का क्या होगा, तो आंसर है 12। 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 12 आएगा, तो आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 2, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 5 × 2 = 10 होता है, तो 7 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2, 5 + 2 = 7 होता है, प्लस जो ये टर्म है इसे एज इट इज़ रहते हैं 2 × 5। अब इसके बाद 5 और 2, तो अगर हम 5 को लिखते हैं, आप देखिए ध्यान से, 5 इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है तो 5 वापस आ जाएगा, तो ये हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 अलग अलग कर सकते हैं, तो आपको ये एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये कौन सा फॉर्मूला है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास 5 अंडर रूट 5 और बी क्या है अंडर रूट 2, ये क्या हो गया इसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, हमारे पास आया था अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर आया था। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब कि वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के सब पे स्क्वायर लग जाता है, वर्गमूल ऐसे ही निकालते हैं सब का अंडर रूट, तो इस 2 से ये स्क्वायर रूट कट जाता है, काट के दिखाना नहीं है, शो नहीं करते हैं, 2 से अंडर रूट कट जाता है, ये बेसिक है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो हमारे पास बचा क्या, 5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, प्लस की संख्या आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है इनमें से, आर ए फिशर को, गाउस को, लाप्लस को या न्यूटन को, तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 3, लाप्लस को। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो वह संख्या क्या होगी। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संख्या बताओ, तो सबसे पहले संख्या को एक्स मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी डी जैसे नॉर्मली एक्स मानते हैं, संख्या
के 60%, मैंने हमेशा कहा है जहाँ के या की होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आता है, का 60%, परसेंट मतलब अपॉन में 100, 16 into 100, का 3/5 इक्वल टू 36 है, ये करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया और तो कुछ नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं यहाँ कैंसिल हो रहा है, अगर हम काटना चाहें तो ये कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, तो बचा, और जो नीचे डिवाइड वाली टर्म है उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली टर्म है उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 ये काटते हैं 12 आएगा, यहाँ काटते हैं 6 आएगा, सॉरी 4 आएगा, 4 आएगा यहाँ पे, तो 4 into 5 into 5 x इक्वल टू 4 into 5 into 5, तो आंसर कितना हुआ, 5 5 20 और 20 5 100, तो इसका करेक्ट आंसर है 101, x इक्वल टू 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो करेक्ट आंसर है इसका, पाई एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है पाई। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया a अपॉन 3 इक्वल टू b अपॉन 4 इक्वल टू c अपॉन 7, तो c अपॉन 7 है, यहाँ पे मिस्टेक से 5 लिखा हुआ है, यहाँ c अपॉन 7 है ये क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन और हमें इसका मान निकालना है, तो हम मान लेते हैं a अपॉन 3 इक्वल टू b अपॉन 4 इक्वल टू c अपॉन 7 इक्वल टू k वैल्यू मान लेते हैं, तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास 3k, b की वैल्यू आएगी 4k और c की वैल्यू आएगी 7k। अब अगर हमें a b c की वैल्यू पता है तो इसमें पुट अप कीजिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है और आपका आंसर आ जाएगा, तो हम करते हैं a की वैल्यू आई थी 3k प्लस b की वैल्यू आई थी 4k प्लस c की वैल्यू आई थी 7k और अपॉन में c है तो 7k, क्या हो गया 14/7, ऊपर k है नीचे भी k है, 14k/7k, k से k कैंसिल, 7 2 14, तो करेक्ट आंसर है c 14 इसका, सॉरी 2 इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये संख्या दी हुई है, इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा हमें ये बताना है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जब इतना लंबा टर्म हो और इकाई का अंक सिर्फ लास्ट पॉइंट बताना है, तो इकाई का क्या होता है, जो हमारे राइट हैंड साइड से पहला अंक होता है उसे इकाई का अंक बोलते हैं, तो इसमें पहला देखिए ये 378 है, इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है और इसमें 2 है, 8 × 6 × 9 × 2 सबके इकाई के अंक में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी लेंथ ही पड़ेगा, इसका भी शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताती हूँ, 8 6 48 ठीक है, और इसका क्या होगा 9 2 18, अब इसका इकाई का अंक 8 है, इसका इकाई का अंक भी 8 है, तो 8 8 जा 64, तो 64 इसका इकाई का अंक कितना आया 4, तो इकाई का अंक आएगा 4। समझ में आ रहा है कि सिर्फ इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करनी है, आगे की टर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसे छोड़ देना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 18 है, तो दो संख्याओं और ये दो संख्याओं का युगफल 60 है, तो इसमें कि जब भी अभी हमें संख्या निकालनी है तो हम मान लेते हैं कि दोनों संख्या x और y, तो x प्लस y इक्वल टू 60 हमें दे रखा है, x प्लस y इक्वल टू 60, और हमें दिया हुआ लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 12 और 72 है, तो एक फॉर्मूला हमें आना चाहिए कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू एक्स इंटू वाई, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ये एक फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, इसके फॉर्मूले के बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं, तो हमने दोनों संख्या एक्स वाई मानी थी और 12 × 72 ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई ये वाली और एक इक्वेशन ये वाली आ गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इकट्ठे लेके, तो एक फॉर्मूला आप लोग ये जानते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई
का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई, ये एक फॉर्मूला होता है। तो x माइनस वाई तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। x प्लस वाई की वैल्यू 60 है, तो इसका होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू है 12 इंटू 72, जैसे कि पहले इसके पहले वाले इक्वेशन में आपने देखा था, इक्वेशन नंबर 2, 12 इंटू 72। आप इसे कॉपी पेन लेके करते जाइए, अपने हाथ से करेंगे तो आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा, समझ में आएगी चीज़ें। तो 60 का होल स्क्वायर हमारे पास आंसर आएगा 36000 माइनस 4 इंटू 12 इंटू 17। अगर इसको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3456। तो इन दोनों को अगर आपस में माइनस करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। तो स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में चेंज हो जाता है, तो x सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट में 144। तो 144 का अंडर रूट आप लोगों को पता ही होगा 12 होता है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 12। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 12 है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। अब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को आपस में लेके सॉल्व कर दीजिए, जैसे कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है हमारे पास 12। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस का साइन जैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए प्लस माइनस का साइन दिख रहा है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, वाई से वाई कैंसिल, 2x मतलब x और x ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 72। अगर 2x इक्वल टू 72 तो x इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 2 3 6 और 2 6 12 36। तो हमारे पास एक संख्या तो इसमें आ गई 36। अगर x 36 है तो x की वैल्यू 36 किसी भी एक इक्वेशन में रखिए, इसमें रखिए या इसमें रखिए, दोनों में रखिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी 24। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये सेकंड नंबर 24 आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि एक शिक्षक ने ब्लैकबोर्ड पर लिखा 29 × 4 ज्ञात कीजिए। तो एक विद्यार्थी ने अपने अभ्यास पुस्तिका में 29 की जगह 27 उतार के लिख दिया, 27 × 4 उतारा। तो उसने ऐसे हल किया जो नीचे दिया हुआ है, हल उसने किया जैसे 27 × 4, तो इसका इसने आंसर निकाला 108। और जैसे ये 2 बैलेंस आप मल्टीप्लाई तो ये सबको आता है, तो ये 108 आंसर तो सही निकाला, लेकिन यहाँ 29 था और इसने उतार लिया 27 इसकी जगह। तो इसमें अब शिक्षक को क्या करना चाहिए, इन चारों में से विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए, उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक रोक देना चाहिए, उस विद्यार्थी को 5 में से 2 अंक देने चाहिए, ये कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न गलत क्यों उतारा और उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे अंक देने चाहिए। देखिए उसने मल्टीप्लाई तो बिल्कुल सही किया, बस उसने 29 की जगह ये 27 उतार लिया, बस ये उसने मिस्टेक किया, लेकिन मल्टीप्लाई में कोई नहीं है। तो उसको कारण जानना चाहिए कि उसने गलत क्यों उतारा, क्या उससे दिखाई नहीं दे रहा था या फिर ब्लैकबोर्ड की विजिबिलिटी ठीक नहीं थी, क्या प्रॉब्लम थी, ये शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा जब लाभ हानि का क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में हम 100 लेट करते हैं, मानते हैं कि उसका विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य जैसा भी क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग एक्स मानते हैं। तो जब इसमें दिया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 हो, तो विक्रय मूल्य हमें पता होगा तभी तो उसका 3/2 करेंगे। तो मान लिया विक्रय मूल्य 100 है, क्या माना, विक्रय मूल्य 100 है, तो उसका 3/2 हमारे पास सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 150। तो क्रय मूल्य कितना आया 150 और विक्रय मूल्य हमारे पास दिया हुआ है हमने माना था 100। तो अब बताइए क्रय मूल्य होता है खरीदना और विक्रय मूल्य होता है बेचना, हमने ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा तो हमें लाभ होगी हानि, ये तो ऑब्वियस सबको पता होगा कि अगर हमने कोई चीज़ सामान कम में बेचा है और ज़्यादा में खरीदा है तो हमें हानि ही होगी, तो हम करेंगे हानि, लेकिन कितने की हानि, 150 में खरीदा था माइनस 100 में बेचा तो हमें 50 रुपये की हानि हो गई। अब हमें क्या बोला है कि परसेंट बतानी है, हानि तो इतने रुपये की हुई है लेकिन कितने परसेंट की हानि हुई है। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शंस में मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 33 सही 1/3,
परसेंट लाभ या हानि, इसमें चारों में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देती हूँ कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास कितना आया था, हानि कितनी आई थी। अब ये या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा थर्ड वाला, सेकंड या थर्ड, क्योंकि दोनों में हानि है, लाभ तो हमें हुआ नहीं है। तो 50 हमारे पास हानि हुई है, और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। तो 150 क्रय मूल्य था, और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 3 15, तो आया 100/3। अगर इसे हमें डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 33 सही 1/3। तो हानि हुई है, तो ये हमारे पास ये आया क्वेश्चन, इस सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर इलेवन में दिया है, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है। दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पहले तो आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए इसमें सारे। 2 × L + B, L लंबाई, B चौड़ाई, और मल्टीप्लाई में H ऊंचाई, लंबाई। 2 × L + B × H, ये हमारा दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें कमरे की ऊंचाई मतलब एच हमें 11 दिया हुआ है, और बोला है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। तो अगर लंबाई L है तो चौड़ाई, मान लो चौड़ाई B है, सॉरी, क्योंकि चौड़ाई की दुगनी है ना, तो हमारे पास अगर चौड़ाई B हमने मानी है तो लंबाई हमें माननी पड़ेगी 2B, क्योंकि दुगनी है, डबल है लंबाई। तो ये हमारे पास आ गया टोटल। तो अब जहाँ जहाँ जो जो चीज़ दी हुई है इस फॉर्मूले में डाल देंगे हम लोग। जैसे कि हमारे पास क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है 660 × 2 × B + 2B × 11। 11 हमें दिया हुआ है ऊंचाई इसकी। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ पे 2 × 2B और B कितना होगा 3B × 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 66B, और यहाँ पे दिया हुआ है 660 तो दिया ही हुआ है, तो 66 से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 10 आएगा। तो B इक्वल टू हमारे पास 10 आया। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस क्वेश्चन में कि छत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो छत हमारी क्या होगी, एक आयत होती है, आयत क्या होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारे पास अगर आ गई है तो लंबाई क्या होगी, उसकी डबल दे रखी है इन्होंने। तो अगर हमारे पास बी आया है 10, तो एल हो जाएगा 20। तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी, 10 × 20, तो आंसर आया 200। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, यदि संख्या 604-6, मतलब ये 5 अंकों की एक संख्या है, 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक इनमें से क्या होगा। मतलब कि यहाँ जो यहाँ जगह खाली है इसमें क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो जो भी संख्या 11 से डिवाइड होती है उसके जो सम स्थानों का योगफल, सम संख्या के स्थान और विषम संख्या के स्थानों के योगफल का अगर हम माइनस करते हैं आपस में, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। मैं इसे एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। मान लो आपको पता है कि 1, 2, 1, ये 11 से डिवाइड होता है, तो सम मतलब न सम संख एक और ये तीन नंबर पे है, ये एक नंबर पे है, ये तीन नंबर पे है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और ये दो नंबर पे, इसका इसके आगे तो कोई नहीं है, तो 2, और 2 और 2 अगर आपस में माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह अगर 0 की जगह 11 भी आता आंसर, तो भी वो 11 से, तो ये दो टर्म्स अगर आती हैं तो वो 11 से डिवाइड हो जाती है संख्या। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या आया है, 604, यहाँ पे एक संख्या भरनी है 6, तो इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, कितना आएगा, 6 × 4 = 16 आया। 0 को जोड़िए और यहाँ पे जो टर्म है उसको जोड़िए, वो हमें पता नहीं है क्या है, तो उन दोनों को माइनस, और ये सॉरी ये 0 और ये टर्म क्या होगी कि ये 11 से डिवाइड हो जाए। तो 16 में से हम यहाँ पे क्या घटाएं, 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वही टर्म आने वाली है, 0 में क्या जोड़ेंगे। तो अगर 16 में से हम 5 माइनस कर देते हैं, 16 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 11। और मैंने क्या बताया कि अगर 11 आता है माइनस करने पे तो
हमारी ये संख्या 11 से डिवाइडेड होगी। तो ऑप्शंस से भी आप कर सकते हैं, देखिए 5 इसका आंसर। अगर मान लो 16 में से मैं 7 माइनस करती हूँ तो हमारा आंसर आएगा 9। 9 तो 11 से डिवाइड नहीं होता है इसलिए ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 13, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? ये थ्योरी का क्वेश्चन है। आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन और हरिश्चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीनिवास रामानुजन। क्वेश्चन नंबर 14, इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें संख्या माननी पड़ती है। जैसे एक 14 क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। बहुत ही इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे करते जाइए क्वेश्चन सॉल्व। तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वह संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। तो हमने मान लिया कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। तो बड़ी संख्या का 2 गुना मतलब 2x, छोटी संख्या के 5 गुना, छोटी संख्या y है 5 गुना से 3 ज़्यादा है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि ये वाली ज़्यादा है। अगर हम दो ये वाली 3 ज़्यादा है, तो अगर हमें इक्वल करना है दोनों को, तो अगर ये 3 इन्होंने कहा ये ज़्यादा है तो 3 इसमें ऐड होना चाहिए। लेकिन इक्वल करने के लिए जब भी हमें इक्वल का साइन लगाना होता है तो अगर इसमें 3 ज़्यादा बोला जाता है तो जोड़ते इसमें हैं। समझ में आ गया आपको? अगर इसमें 3 ज़्यादा बोला जाएगा तो जोड़ेंगे इसमें, अगर इसमें ज़्यादा बोला जाएगा तो जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि हमें साइन इक्वल का लगाना है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2x माइनस 5y इक्वल टू, 3 ज़्यादा है तो इतना। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन, बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या x है तो इसका 4 गुना, छोटी संख्या के 3 गुना, छोटी संख्या का 3 गुना का योग 71 है। इन दोनों का योग क्या बोला इन्होंने? 71 है। तो ये तो सिंपल इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका आपको ये आता ही होगा सिंपल। इसे 4 से करें, इसे 2 से करें और इसको पूरे को सॉल्व करें, प्लस माइनस करें, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद 14 और वाई की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 5। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 घन और घनाभ वाले क्वेश्चन है, जिसको या तो काटा जाता है या कलर किया जाता है। तो इस पे इसमें दिया हुआ 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों दिया हुआ है यहाँ पर रंग लगाया जाता है। तो घन हम बना लेते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, उसे घन कहते हैं। ये देखिए ये हो गया हमारा घन, थोड़ा सा क्लियर नहीं होगी पिक्चर। अब इसमें इन्होंने बोला है कि इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये भी 5 सेंटीमीटर और इधर से भी 5 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई दोनों 5 सेंटीमीटर। कितने, जैसे कि इसे ऐसे काटा, 1 2 ऐसे करके ना 5 बार 5 में काटेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के 5 कटेंगे ना। तो अब इन्होंने बोला है कि इसी तरह इधर से भी कटेगा, इधर से भी कटेगा 5 बार। तो इन्होंने बोला जैसे एक साइड कलर कैसे होगा, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। अगर एक फलक पर रंग का निकालना होता है कि केवल एक ही फलक पर रंग हो, तो इसका फॉर्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर। 6n वो होता है जितनी भुजा दी होती है, भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5-2 का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 54, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ ख़त्म हुए थे हमारे ये 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आपको ये क्वेश्चन आशा है समझ में आए होंगे मैथ्स के। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैथ्स को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स मैं जल्दी ही वीडियोस में लेकर आऊँगी कि मैथ्स को कितनी ईजी तरीके से, कितने आराम से सॉल्व किया जा सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।